गाइस, मैं हूँ निशा और आज मैं सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम आए हैं ऑस्ट्रिया वियना में। हम यहाँ पे आए हैं अपनी विंटर वेकेशंस को मनाने और यहाँ पे बहुत ही ठंड हो रही है। आप हमारे अटायर से देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ठंड हो रही है और यहाँ पे इतनी ठंड हो रही है तो हम निकले हैं अपने डिनर के लिए। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, अभी बज रहे हैं 8:30 और हम आज यहाँ पे ट्राई करेंगे कुछ यहाँ का डिलीशियस खाना। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या ट्राई करने वाले हैं। हमारी पूरी मौसी का है, वो अभी मतलब वो कैमरे के पीछे है हमारी पूरी मौसी। तो क्योंकि अनंतिया को यहाँ पे चिकन खाना था तो हमने ऑर्डर किया है रोटिसरी ग्रिल्ड चिकन विच इज़ फुल। हमने लिया है ऑलमोस्ट 16 यूरोस का। और दूसरा हमने ऑर्डर किया है हैम बर्गर विच इज़ 11 यूरोस। सो आई थिंक यू कैन कन्वर्ट 81 यूरो इज इक्वल टू 80 रुपीज़। तो यू कैन कैलकुलेट की अप्रॉक्सीमेटली 2000 का हमारा टोटल बिल आया है। लेट्स सी जब ऑर्डर आता है तो देखते हैं कैसा होता है। सो अनंतिया बहुत एक्साइटेड हो, हमें 5 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। आई हेट वेटिंग। तो यहाँ पे हमारा चिकन आ गया है जो कि बड़ा ही मस्त दिख रहा है और इसके साथ मिले हैं हमें पोटैटो फ्राई और साथ में आ गया हमारा हैम बर्गर विच इज यम्मी, लुकिंग यम्मी। यस, तो चलो लेट्स स्टार्ट। पहली बार तो ये ठंडा है, आई थिंक ये लोग ठंडा ही खाते हैं। इस बार चिकन का टेस्ट तो बहुत अच्छा आ रहा है बट इसमें और कोई टेस्ट ही नहीं है, ना सॉल्ट है ना कुछ है। बट यहाँ पे ऐसे ही खाना मिलता है तो हमें ऐसे ही खाना पड़ेगा। पोटैटो फ्राइज इज यम्मी, दैट्स द ओनली थिंग यू लाइक आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस दैट वी हैव ऑर्डर्ड। हां, चिकन इज वेरी। क्या आपको याद आ रही है दिल्ली के खाने की? हाँ, मुझे मसाला याद आ रही है मसाले की। मुझे पता था यहाँ पे ऐसे ही खाना मिलने वाला है। माय एक्सपीरियंस अ लॉट। आपको कैसा लग रहा है? लाइकिंग इट अ लॉट। यहाँ पर ना टाइम बहुत अजीब है। हाँ, यहाँ का टाइम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसने मतलब खाना पहले वो बाहर में, इसने मुझे यहाँ का टाइम इतना अच्छा नहीं। क्योंकि उसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे 4:30 पे अंधेरा हो रहा है, उसको बड़ा अजीब लग रहा है कि 4:00 पे अंधेरा हो रहा है और इतनी लंबी नाइट्स हो रही हैं। तो ये है मेरा हैमबर्गर, मेरे मुंह जितना बड़ा है पर तुम ऑलरेडी बाइट ले चुकी हो। बहुत अच्छा लगा। उसमें है मेलन, मुझे तो वो मजाक कर रहे हैं मेन्यू में, इसमें मेलन डाला हुआ है। मुझे भी ट्राई करना। ये बहुत अच्छा है। ठंडा है या गर्म है? गर्म है, क्योंकि वो अभी अभी आया है, हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं इसलिए हमारा चिकन ठंडा हो गया। तो चलिए अब हम इसे फिनिश करते हैं और इसको फिनिश करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो हम आ गए रेस्टोरेंट में और अब हम जा रहे हैं कुछ ट्राई करने। वीकेंड और क्रिसमस हॉलीडे होने की वजह से यहाँ पे बहुत रश है और कम से कम हम 3 या 4 रेस्टोरेंट्स में घूम आए हैं और वहाँ पे बहुत ही कम से कम 1 घंटे की वेटिंग आ रही थी। इसके बाद हम आए हैं ये गैब्रियल ब्रियू में और इन्होंने हमें 5 मिनट्स की वेटिंग बताई है। तो आई होप कि हमें टेबल मिल जाए और हमें कुछ खाने को मिल जाए। हाँ, हम लोग इन्हें घूमा एक पूरा मैप लिया और हम शॉपिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे शॉप 7 बजे बंद हो जाती हैं और अभी टाइम हो रहा है 9 बजे। तो हमें भूख भी बहुत लग रही है और अब हमें बस 5 मिनट बाद अपनी टेबल मिल जाएगी और फिर हम खाना खाएंगे। तो फाइनली हमें टेबल मिल गई है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अब ऑर्डर करने की सोच रहे हैं। जो पिज्ज़ा की क्रस्ट है वो बहुत ही थिन है, आप देख सकते हैं कितनी पतली है ये, और इसमें जो चिकन है वो बहुत ही टेंडर है और ये बड़ा ही जूसी है, जिसकी टॉपिंग है वो बड़ी जूसी है।
और दूसरा हमने मंगाया है ये स्पेगेटी जो कि चिकन के साथ है। इसमें कुछ भी टेस्ट नहीं है, ना नमक है, ना मीठा है, ना खट्टा है। और जब भी हम बाहर आते हैं फॉरेन में स्पेशली, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि पिज्जा खाएं और उसी से पेट भर लें। मतलब नमक तो बिल्कुल भी नहीं है, टेस्ट लेस है। अगर उन्होंने हमें ये मिर्ची वाला तेल दिया है तो थोड़ा सा मदद कर रहा है। इट्स हॉट चॉकलेट, बेसिकली ये हॉट चॉकलेट है पर लगता है शेक है। तो या मैं इसको हॉट चॉकलेट शेक बुलाऊंगी। ओल्ड टाउन पराग में घूमते घूमते हमने देखा यहाँ पे एक आइसक्रीम मिल रही है ब्रेड की। ब्रेड को वो पहले घुमा रहे हैं कोयले में और फिर उसके अंदर आइसक्रीम स्टफ करके दे रहे हैं। तो अब हम वो ट्राई करने जा रहे हैं और वो हर लगभग 300 रुपए की है यहाँ की करेंसी के हिसाब से। तो चलिए लेते हैं और देखते हैं कि कैसी होती है। सो हम ले रहे हैं चॉकलेट फिल वाली जो करीबन 300 रुपए की है यहाँ पे। और मेरी बेटी भी रही है स्टारबक्स से कैरेमल हॉट चॉकलेट, जिंजर कैरेमल एंड हॉट ब्राउनी हॉट चॉकलेट। वाओ इतना सारा, यम्मी। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर क्रिसमस मार्केट लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू पूरा। रश भी बहुत है। आ गया है हमारा, इसके अंदर इन्होंने चॉकलेट फिल करके दिया है और आई डोंट नो ये बड़ा सॉफ्ट सी कोटिंग है। जैसे आप ब्रेड में न्यूटेला को खाते हो ये बिल्कुल वैसा टेस्ट कर रहा है। इंस्टेड इट्स आइसक्रीम, इट्स नो आइसक्रीम। दे हैवंट पुट द आइसक्रीम, मे बी विंटर्स की वजह से दे हैवंट पुट द आइसक्रीम। पराग कैसल को घूमने के बाद अब हमें भूख लग गई है तो हम आ गए हैं यहाँ पे इनकी क्रिसमस मार्केट में। और अब हम ट्राई करेंगे ये टेस्टी चिकन जो रोस्ट कर रहे हैं, ये एकदम गरम गरम दे रहे हैं और यहाँ पे बहुत ठंडी है तो मज़ा आ जाएगा इस गरम गरम खाने को खाते। दिस इज पोटैटोस, दिस इज मशरूम एंड सब्जी। ओनली दिस चिकन, दिस इज चिकन एंड व्हाट इज दिस? बेकन। Oh, it's bacon. Chicken bacon, paprika. Okay, and there's a sausage. All pork sausage. Okay. And like hot dog. Hot dog? You like hot dog? तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये गर्म होगा लेकिन ये ठंडा है। और ये चिकन है और इसमें बेल पेपर और बाकी सब भी लगाया था तो ये एक तरीके का चिकन टिक्का था। आपको कैसा लगा? Thumbs up? तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको यहाँ का फूड? इस वीडियो को लाइक करके मुझे ये ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हाँ नीचे कमेंट्स में भी बताएं कि अगर आप जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों में तो आप भी क्या खाना पसंद करते हैं। और मैं निशा मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।